और बिलाखिर वो लम्हात जिनका इंतज़ार था, कल से बहुत अच्छे मैचेस हुए और अब वहीद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कोच हैं विनिंग टीम के, आईएसआई 11 नाम भी ज़बरदस्त और काम भी आईएसआई वाला, बाकी इनसे भी थोड़ी गपशप करेंगे। इसके अलावा कैप्टन साहब जो हैं आईएसआई 11 के, बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही और जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी तरह का मैच हुआ। और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि ये ज़बरदस्त काविश थी बाबुल इल्म इंतज़ामिया की, क्योंकि आगे पैन का टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए प्लेयर्स भी बहुत सारे प्लेयर्स सामने आ चुके हैं और अब इन प्लेयर्स भी बड़ा सख्त मुकाबला होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबुल इल्म कॉलेज इंशाल्लाह आगे जो पैन का टूर्नामेंट है उसमें भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। तो आज के जो हमारे ऑफिशियल अंपायर थे, पहले उनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं। हसीब खान अंपायर थे, हसीब खान क्या कह गए हसीब खान, इतना ये बड़ा मैच था आपने इसको सुपरवाइज़ किया तो क्या तासरात है आपकी? जी ये दोनों टीम्स काफ़ी अच्छा खेली हैं, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने अप्रिशिएट भी किया मैच ख़त्म होने के बाद और दोनों टीम्स काफ़ी अच्छा मैच खेली। हसीब आप क्या समझते हैं कि किस हद तक बच्चे इससे सीखेंगे, जैसे आगे अभी पैन का टूर्नामेंट आ रहा है तो उसके लिए बच्चे किस हद तक प्रिपेयर होंगे? जैसे आज हमने देखा कमेंट्री भी हो रही थी, आप जैसे अच्छे बच्चे टैलेंटेड अंपायरिंग भी कर रहे थे, इसके साथ गेम भी हो रही थी, बॉलर भी बहुत सारे सामने आ चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं? इसमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में निकल आए जो हमारी टूर्नामेंट करवाए, इसके लिए मैं तोहित सर से थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने ये टूर्नामेंट हमारे लिए करवाया। जी दूसरे हमारे साथ अंपायर थे अमीर हमज़ा, अमीर हमज़ा क्या तासरात हैं हसीब का जो कहना है वही आप भी कहेंगे या इससे कुछ हटके हैं? जी बिल्कुल बहुत मज़ा आया सर, टीम दोनों बहुत अच्छी खेली और डिसिप्लिन के साथ, सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छे खेली और बहुत से नए प्लेयर हमें इंशाल्लाह के टूर्नामेंट में खेलने को मिले। थैंक यू। और अब हम बात करेंगे कैप्टन साहब से, इमरान 11 के कैप्टन से, इमरान 11 के कैप्टन से बात करेंगे और आखिर में फिर इंशाल्लाह उधर से बात होगी। इमरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, हार्ड लक इमरान, और क्या कहेंगे क्या तासरात हैं? सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो विनिंग टीम है माशाल्लाह बहुत अच्छे खेल रहे हैं, मैं अपनी टीम में बहुत बहुत स्पेशली थैंक्स अदा करना चाहता हूँ और इनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में जितना ही नहीं चाहिए, कभी कभी हार का भी सामना करना चाहिए और हार से इंसान के अंदर और भी जज्बा जाता है इंशाल्लाह, और इनको ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और इनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतना भी जश्न न कर अपनी जीत पे बेखबर, शहर में चर्चे तो तेरी जीत से मेरे हार के ज़्यादा है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। वैसे भी इमरान माशाल्लाह बहुत अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलते हैं और जो मौजू इन्हें दे दें तो बड़े अच्छे तरीके से, चूंकि अभी ये भाग गए मेरे कुछ सवालात भी थे लेकिन चलें जी। बहरहाल अब हम बुलाते हैं जी हमारे यानी आज के जो इस मैच के दूल्हा हैं कैप्टन और इसके साथ साथ बेस्ट बैट्समैन भी थे आज ये, और आज यानी मैन ऑफ द मैच भी थे, तो उनसे बातचीत करेंगे उनके क्या तासरात हैं। तो उज़ैर यहाँ माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, जैसे मैच से पहले आप खुश भी थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंशाल्लाह हम 100+ करेंगे और फिर इनको इंशाल्लाह 50 के अंदर अंदर और बाकी आपने करके दिखाया, तो क्या तासरात है? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, इसके बाद अपने प्लेयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली कोच जो है ध्यान सर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त हमारे साथ कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह। उधर वैसे तो पढ़ाई 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 और फिर एक साल पिछले लास्ट ईयर से चूँकि कोरोना भी था कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो यहाँ आज टीचर्स के सामने खेलना और फिर इन दोस्तों को खासकर टीम को साथ लेके चलना कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस रहा? टीम को लेके साथ चलना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पता है टीम का कप्तान ना खेले तो फिर तो खिलाड़ियों के साथ उसका खेला नहीं हो सकता, तो हमने भी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स ने काफ़ी कोशिश की। अच्छा उज़ैर आपने पैन के ज़ैर एहतमाम बहुत सारे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया भी है और अभी क्योंकि आगे इवेंट आ रहा है पैन क्रिकेट टूर्नामेंट का, तो आप मैं तो आपको ही कैप्टन देख रहा हूँ, आपकी जिस तरह की कारकर्दगी है तो अगर आपको कैप्टन बना दिया जाए तो आप समझते हैं कि बाबुल इल्म में एक स्ट्रांग टीम जो है वो तहसील विनर हो सकती है इंशाल्लाह? जी ये टूर्नामेंट जो कराया इसीलिए कराया कि हम जो हमारे कॉलेज में बच्चे खेल सकते हैं तो उनको हम प्रमोट करें इंशाल्लाह, बाबुल इल्म की टीम जो है वो बेस्ट टीम होगी इंशाल्लाह पैन के टूर्नामेंट में। अच्छा आपकी टीम का जो नाम है वो किसने तजवीज़ किया था? ये आते आते हैं, तो इसकी खास वजह क्या थी? बस ये रुपया एजेंसी यानी ये लाव करते हैं आईएसआई से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। वहीद खान साहब जो भी कोच हैं विनिंग टीम के, थोड़ी सी उनसे भी गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह आपकी टीम और आपकी काविश, क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आपका कि आपने जो है इसको कवरेज किया, और इसके बाद जो है वो दुहीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी जो है वो निकाल दिया। तो इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर जो हिडन कैपेबिलिटीज़ होती हैं तो वो सामने जो है। तो क्या कहेंगे वहीद साहब, चूँकि आपकी बड़ी नज़र थी, कल भी आप आए हैं मैच खिलाया बच्चों को, राज भी, कि हमें इंशाल्लाह अभी पैन का जो तहसील लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है उसमें एक अच्छी टीम मिल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो इसमें से अच्छे हमारे पास स्टार्स आए हुए हैं इंशाल्लाह ये प्रमोट होकर के जो है नेक्स्ट में अच्छा। स्पेशली ये मैं अपने तौर पे एक हमारे प्लेयर हैं जिनको मैं खुद भी बड़ा लाइक करता हूं और काफ़ी इनकी गेम देखी भी है और सिखाया भी है, मैं चाहता हूं कि वो भी मुझसे थोड़ी सी गपशप कर लें, क्योंकि आज जैसे उज़ैर ने भी कहा था इनके लिए, लेकिन चल नहीं पाए हैं, अच्छा नहीं खेल पाए हैं, उनसे गपशप करेंगे। इकराम को मैं दावत दूंगा कि वो यहाँ आएं। इकराम माशाल्लाह टीम तो आपकी जीती है तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आप उतना अच्छा नहीं खेल सके जितना कि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके कैप्टन साहब। देखें यार, सारे प्लेयर हर वक्त फॉर्म में नहीं होते ना, बस आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बाकी तो बस टीम जीत गई, मेन मकसद टीम जीतना था। अच्छा, चूंकि आप वैसे भी अपने गांव के लेवल पे भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, वहां भी आप कैप्टन हैं, तो आप ये समझते हैं इकराम के हमें एक अच्छी टीम बाबुल आलम के लिए पेन टूर्नामेंट के लिए मिल जाएगी? बिल्कुल सर, मिल जाएगी, जैसे खेल रहे हैं लड़के मिल जाएगी। तो आप कैप्टन किसको देखते हैं? थैंक यू सो मच जी, ये ज़बरदस्त गपशप हुई। और अगर अभी हमारे जो चीफ गेस्ट हैं और उसके साथ साथ जो रूह रवां हैं बाबुल आलम कॉलेज के प्रिंसिपल तोहीद साहब और गुलाम मोहम्मद साहब, इनसे मैं गुजारिश करूंगा यहाँ आ जाएं, क्योंकि इनसे अगर गपशप ना करें तो ये ज़्यादती होगी थोड़ी सी, चूँकि इसके पीछे बड़ी काविश थी तोहीद साहब की, तोहीद साहब से थोड़ी सी गपशप करेंगे। इसके साथ साथ नाज़िम साहब जो हमेशा मेहमान खुसूसी रहे भी है और आते रहते हैं, और आज भी हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे बच्चों को यानी आए यहाँ सरपरस्ती की, और इन्होंने मैच देखा, कैसा लगा है सर, क्या तासर? एक दफ़ा मैच आखिर में थोड़ा सा ऐसे ही नज़र आया, लेकिन स्टार्ट होने बहुत ज़बरदस्ती है, कल मैं फाइनल में बैठा हुआ था बड़ा ज़बरदस्त के लिए, आज थोड़ा सा प्रेशर ये लोग ले गए, रिजल्ट बेहतर। सर आपको कहीं से ऐसे लगा होगा कि भी हम भी इन बच्चों की तरह खेलते थे, काश मैं भी इन बच्चों में होता और खेल रहा होता? यकीन करें जी, मैं तोहीद साहब को बता रहा था कि दिल कर रहा है कि आज ये चले जाएं, उनके बाद हम जो है वो एक टीम बना लें अपनी और हम ही खेलें, बड़ा ज़बरदस्त मतलब ये याद आते हैं दिन, बड़े बस दिन होते हैं। सर क्या कहेंगे इंतज़ामिया की इस कावश के लिए? थैंक यू सो मच जी। तोहीद साहब हमारे साथ खड़े हैं, तोहीद साहब चूँकि राय रूह रवान है, और जैसे तोहीद साहब आए तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़बरदस्त तालीम से इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि बच्चे खुश हैं। और वैसे भी तोहीद साहब की वो जो पिदराना शफकत है इन बच्चों पे, वहाँ जब कॉलेज में हम देख रहे होते हैं तो कुछ और ही इनका रवैया होता है, कुछ और ही चेहरा होता है पढ़ाई के लिहाज से, और फिर इसी तरह कुछ दिन पहले ही हम लोग गए थे एक टूर पे और बड़ा मज़ा आया, ये सारी एक यादें हैं। और वहाँ भी तोहीद साहब को मैंने स्पेशली देखा, और यहाँ आना और टाइम देना, यहाँ ग्राउंड में बैठना, तो इनसे इनके तासरात जानेंगे जी। शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मैं हाफिज़ अबूबकर साहब का इतहाई मशहूर हूँ, जिससे समेत आपके आपको हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं, ऐसे मौक़ों पर उन्होंने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला, जितने भी यहाँ पर जो इवेंट्स हुए, फिलहाल तो क्रिकेट पे चल रहा है, इसको कवरेज दी, और जितने भी लोग देखना चाह रहे थे, ख्वाहिशमंद थे, उन तक जो है ये हमारे जितने भी इवेंट्स थे वो पहुँचाए। और उसके अलावा जो हमारी विनर टीम है उज़ैर लेवन, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेले और बड़ी ही स्ट्रांग टीम देखने को मिली फाइनल में। हार्ड लक थी इमरान लेवन के लिए, लेकिन एक टीम ने जीतना ही था, और मैंने इनको कॉलेज में भी कहा था कि टीम जो भी जीतेगी वो जीत हम सबको देंगे, तो खुशी हो रही है कि इमरान लोगों को भी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जो जीते हैं वो भी इनके भाई ही हैं। थोड़ा सा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई उस तरह की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल सकी मुझे, अच्छे प्लेयर हैं इनके पास भी, इमरान हैं, इमरान हज़ारवी है, जाकिर है, इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ तकरीबन अच्छे प्लेयर है, अकील है, उमर रियाज माशाल्लाह जो है बड़ा अच्छा खेलते हैं, सेमीफाइनल में बड़ा अच्छा खेला वो, लेकिन आज ज़रा वो जल्दी आउट हो गए। खैर ये
पार्ट ऑफ गेम है होती रहती है, लेकिन मुबारकबाद में इस चीज़ के लिए स्पेशली देना चाहूँगा कि जीत जो थी वो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट की जो जीत थी वो मुझे देखने की मिली माशाल्लाह। उसके लिए मैं अपने सारे बच्चों को दाद देना चाहूँगा, उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि जो इंस्पेक्शन उनको दी गई उन पर उन्होंने मन वन पे है वो यहाँ पर अमल करके दिखाया है, शुक्रिया। अच्छा सर, जैसे कि माशाल्लाह पढ़ाई के लिहाज से भी बाबर आलम कॉलेज ने सफ़र टॉप किया एज़ वेल एज़ फर्स्ट ईयर में और फिर सेकंड ईयर में बॉयज़ में भी, तो फिर इसके उसके बाद आपका एक टूर रहा जो तालीमी दौरा था वो भी बड़ा अच्छा रहा क्योंकि हम साथ साथ ही थे, तो फिर ये अच्छा इसमें स्पेशली आप समझते हैं जो पेन का टूर्नामेंट है उसके लिए आपकी तैयारी होमवर्क कम्प्लीट है और आपको छुट्टी मिल जाएगी इंशाल्लाह। सर बिल्कुल, पेन के जो टूर्नामेंट होगा उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी टीम जो है वो बेस्ट टीम साबित होगी इंशाल्लाह। जो प्लेयर्स मुझे देखने को मिले, बाकी यकीन तो नहीं था आप वाली बात के पीछे कोरोना की सूरत की वजह से तो पढ़ाई 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 वही रूटीन थी, तो ये अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा बच्चा कैसा खेल सकता है, कौन सा अच्छा बॉलर है, कौन सा अच्छा बैट्समैन है, लेकिन इस इवेंट को इनका के बाद ये चीज़ सामने आ गई है माशाल्लाह, बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स मेरे सामने आ गए बहुत सारे बच्चे, टीम बल्कि दो टीमें हमारी बेहतरीन टीमें बन सकती पेन के टूर्नामेंट के लिए। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो टूर्नामेंट होगा पेन का वो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन टीम बाबर आलम कॉलेज की तरफ से जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ चूँकि आपका साइंस एग्जीबिशन कराने का भी प्रोग्राम है, कुछ और प्रोग्राम है वो भी ज़रा डिस्कस कीजिए क्या क्या है इस वीक में इंशाल्लाह। जी इस वीक में तो हमारा फिलहाल फोकस जो है वो साइंस एग्जीबिशन पे है, उसकी तैयारी साथ साथ हमारी शुरू है। उसके अलावा हमारा एक मजबूत का प्रोग्राम है, मुख्तलिफ कम्पटिशन होंगे नात के हवाले से, मिली नगमे के हवाले से स्पीच कम्पटिशन होगा, इससे हट के जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हमने जहन में रखी हुई हैं। ये जो वीक हमारा होगा तो इसमें ये सारी एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह जो है वहाँ करवाएंगे। सर बच्चों की टीम की तो आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो टीम है जो हमेशा मैं देखता हूँ कि आपके शाना बशाना और आपकी हर बात पे लबैक, क्या कहेंगे उनके लिए? जी बिल्कुल सर, मैं खुद उनका नाम लेना चाह रहा था, आपने पूछ लिया। सबसे पहले तो आपका नाम लेंगे जी, आप हर मैदान में भले वो तालीमी मैदान हो, भले वो खेल का मैदान हो, भले वो हमारे शहरों से हाथ का मैदान हो, उसमें हमेशा आप हमारा साथ देते रहते हैं। कासिम साहब हैं, उमर साहब हैं हमारे, वहीद साहब हैं, अमार साहब हैं, तमाम ने जो है वो अपनी मसरूफियात के बावजूद, क्योंकि वो मुख्तलिफ कॉलेज में क्लासेस होती हैं उसके बावजूद वहाँ से क्लासेस लेके अपना टाइम यहाँ पे जो उन्होंने दिया। ये क्योंकि टीम वर्क ही था ये ऑर्गेनाइजिंग इस इवेंट को कराना, अकेले जो है वो करवाना नामुमकिन सही था, आप लोग सब लोगों का तावन रहा है तो उसके लिए मैं आप सबके इंतहाई मशहूर हूँ और आपका जो है वो शुक्रगुजार हूँ। मोस्ट वेलकम सर, ये तो हम कहेंगे जी इट्स माई प्लेयर या इट्स आवर प्लेयर। सर नजी से एक सवाल करना चाहूँगा, आज उन दोस्तों के साथ चूँकि मेरे इलम में है जैसे गुलाम मोहम्मद साहब भी आपके बचपन के दोस्त हैं, कासिम शाह साहब भी आपके बचपन के दोस्त हैं, उन दोस्तों के साथ यहाँ बैठ के अपना वो बचपन तलाश करना कैसा लगा? कल भी बैठे यही बात कर रहे थे कि इधर से ही हम, मैंने किसी इधर से की है तो इधर ग्राउंड में बहुत खेले, अपना वो वक्त याद आया। गुलाम मोहम्मद भाई भी यही कह रहे थे कि तो मैच करवाते हैं अपनी पुरानी पिछली यादें ताज़ा हो जाएंगी उन बच्चों को खेलते हुए देखते हुए, तो अपना वही वक्त याद आया, वही जज्बात वही फीलिंग्स, तो वो वक्त बहुत याद आया, बहुत मुश्किल। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जी ये था आज के इस फाइनल की सेरेमनी और फाइनल का अहवाल मैंने, हाफिज अबू बकर जान ने, तोहीद साहब ने और हमारी टीम ने अपने हिस्से का काम किया। आप ओनली फिंगर टिप्स पे अपने हिस्से का काम कैसे करेंगे जिससे इन बच्चों की अप्रिसिएशन भी होगी? आपने घर में बैठे बैठे ये अंगूठा है इससे शेयर के बटन को दबाना है और लाइक करना है। इजाजत दीजिएगा, हाफिज अबू बकर जान और डॉक्टर तीक चांद को मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह।